What will be pressure of a gas system when 0.5 liter of H2? So H2 is 0.5 liter. And pressure is 8.8 bar. ठीक है एंड 2 liters of O2 at 0.7 bar. तो V2 एक और वॉल्यूम है गैस की दैट इज 2 liter एंड इसका प्रेशर है 0.7 bar. इनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एक बड़े वेसल में और उस बड़े वेसल में जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज 1 liter. ठीक है और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो लेट इट बी V3. That is 1 liter. So हम क्या कर सकते हैं? What I can do is I can apply volume of H2 in. ठीक है. I need to find pressure of H2 and pressure of O2 when it is introduced in this vessel of 1 liter. तो यहाँ पे मैं Boyle's law लगा देता हूँ. Boyle's law लगाने से P1 V1 is equal to P2 V2 होता है. इसी तरीके से यहाँ पे H2 की इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है. इनिशियल प्रेशर इज P1 V1 is equal to प्रेशर ऑफ H2 फाइनल इनटू वॉल्यूम V3. तो यहाँ पे आई कैन पुट दिस एज 0.5 इनटू इनिशियल वॉल्यूम प्रेशर 0.8 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ H2 में निकालना चाह रहा हूँ और ये आ गया प्रेशर ऑफ H2 तो ये आ गया 0.4 बार. सिमिलरली इसको मैं O2 पे भी लगाना चाह रहा हूँ. O2 पे लगाने पर आई विल गेट अगेन P1 V1 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ O2 इनटू V3. तो इस केस में प्रेशर ऑफ O2 कैसे आएगा? प्रेशर ऑफ O2 विल बी P1 V1. यहाँ पे P2 V2 लिया है मैंने. इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर, इनिशियल प्रेशर 0.7 और डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 1.4 बार. ठीक है अब हमें पता है इसके अंदर H2 और O2 को डाला गया है. H2 का प्रेशर आया 0.4 बार और O2 का प्रेशर आया 1.4 बार. तो अगर मैं बात करूँ व्हाट इज द टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग पी टोटल विल बी इक्वल टू 0.4 प्लस 1.4 दैट इज 1.8 बार. तो हमने किया क्या, हमने इंडिविजुअल प्रेशर्स निकाले H2 और O2 के और उन इंडिविजुअल प्रेशर्स से ऐड करके टोटल प्रेशर हमने निकाल लिया. इज दिस क्लियर क्वेश्चन, येस और नो एवरीवन? प्रभजोत तुमने आंसर्स अपलोड कर दिए अपने. नमन ऐप पे ठीक है. ठीक है देन नेक्स्ट. हाँ अश्विन बोलो.